नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो गाइज, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से यू वर्ड से गुलाब का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप यू वर्ड से गुलाब का चित्र बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पर आपको वाई लिखना होगा, फिर ओ लेटर लिखेंगे, यू लेटर लिख दीजिएगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। ऊपर के साइड से आपको यहाँ से ऐसे इस यू लेटर के ऊपर के साइड में मिलाना होगा। बीच से आप दोस्तों यहाँ से ऐसे इधर ऐसे मिला दीजिएगा। आपको नीचे के साइड में एक लाइन ड्रॉ करना होगा। एक लाइन आप यहाँ पर भी ऐसे आसानी से ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाला सिरा डबल करते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से भी आप डबल करते हुए अंदर के साइड में ले जाइएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद गाइज, आपसे हमारा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ से आपको इस वाई लेटर की हेल्प से दोस्तों इसको ऐसे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर मिलाएंगे। फिर इसके बाद आपको इसको नीचे की तरफ करना होगा, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करेंगे। यहाँ से बाहर की तरफ ले जाइएगा, एक गुलाब की पंखुड़ी आप इधर बना देंगे। ऊपर के साइड में दोस्तों यहाँ से भी ऐसे गुलाब की पंखुड़ी बनाना होगा। एक आसानी से गुलाब की पंखुड़ी आप यू लेटर की हेल्प से बना दीजिएगा। इधर से आपको नीचे की तरफ करना होगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ करेंगे, हल्का सा यहाँ पर अंदर बाहर की तरफ करते हुए इसको इस तरह आपको मिलाना होगा। नीचे के साइड में भी गुलाब की आसानी से पंखुड़ियाँ बना दीजिएगा। इधर भी आपको गुलाब की पंखुड़ी बनाना होगा, एक गुलाब की पंखुड़ी आप इधर ऐसे बनाएंगे। अब आपको दोस्तों नीचे के ही साइड में छोटी छोटी गुलाब की पत्तियाँ बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इधर से हल्का सा अंदर बाहर की तरफ कर देंगे, यहाँ से ऐसे आप कांटे बना दीजिएगा। कांटे बनाने के बाद दोस्तों इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। इधर से भी आप ऐसे पतले पतले कांटे बनाते जाइएगा, आगे के साइड में बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे डबल करिएगा। आपको एक गुलाब की कली बनानी होगी। देखिए कैसे बनाना है, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे करिए, इधर मिला दीजिएगा। या चाहे तो आप एक डब्ल्यू लेटर लिखते हुए इसको डबल कर देंगे, आगे के साइड में बढ़ाते हुए यहाँ पर छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक हल्की सी लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करिएगा, इस लाइन की हेल्प से गुलाब की आप पत्ती बना दीजिएगा। आपको इस साइड भी ऐसे गुलाब की पत्ती बनाना होगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी हम आपको कलर भी करना सिखाएंगे दोस्तों, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। 1, 2 ऊपर के साइड में भी अगर आप चाहते हैं कुछ गुलाब की पत्तियां बनाना तो बना दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक हम यहां पर बना देते हैं, एक इस साइड भी हम गुलाब की पत्ती आसानी से बना देंगे। तो गाइज़, ये हमारा यू वर्ड से गुलाब का बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।